Hello aspirants, so in today's class we will deal with the topic of relationship of sociology with history and relationship of sociology with economics, ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे. सो इन द सीरीज वी आर करेंटली डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद डिफरेंट सोशल साइंसेज, ठीक है. तो ये हमको देखना है कि वाई सोशियोलॉजी इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज एंड वॉट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ सोशियोलॉजी विद डिफरेंट सोशल साइंस स्ट्रीम्स. चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री. दीज बोथ आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अ ह्यूमन मैनकाइंड और सोसाइटी, ठीक है. क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, हिस्टोरिकली जो चीज़ें हम देखते हैं, वही चीज़ें हम लोग आज प्रेजेंट में उसको कंपेरिजन करते हैं. अगर हमने एंशियंट में कोई चीज़ें देखी, मेडाइवल में कोई चीज़ें देखी और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें देखी हैं, तो हम तीनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं. तीनों की सोसाइटी अलग है, तीनों की कम्युनिटीज़ क्या थी, तीनों में एसोसिएशन डेवलपमेंट कैसा था, यही हम आज पढ़ते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों में. तो वही चीज़ है कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज़ है आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी न्यू एंट्रेंट इन द सोशल साइंस स्ट्रीम. 1839 में ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था. एंड हिस्ट्री का जो जेनेसिस कहाँ से है, तो हिस्ट्री कम्स विथ हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकलता है. जो वर्ड है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया इज अ वर्ड और हिस्टोरिया का मतलब होता है टू इंक्वायर, ठीक है. सो हिस्ट्री यहाँ से आता है. आपको ये बेसिकली दो चीज़ें मालूम पड़ गई. सोसाइटी का आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स की लैटिन एंड ग्रीक वर्ड सोसाइटस एंड लोगस से बनता है एंड इट टेंड्स टू सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है. चलिए तो अब हम देखते हैं सोसाइटी क्या है. सोसाइटी इज द स्टडी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आई हैव टोल्ड यू सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी. अब आपको सिमिलैरिटी, फर्स्ट सिमिलैरिटी यहाँ देखने को मिलेगी. हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. एकदम ईजिएस्ट वे में हम कहीं सिक्स्थ क्लास में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमको क्या मालूम पड़ता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है. अब पास्ट में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हम सोसाइटी पढ़ते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हमने बेजेंटाइन एम्पायर देखा, ये सारी सोसाइटी तो हमने पढ़ी. कम्युनिटी देखा हमने, हड़प्पा में देखा, IVC में अलग अलग कम्युनिटी देखी हमने, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट्स में ऑफ वर्ल्ड देखा हम लोगों ने. तो ये सारी सोसाइटी हम स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट. द स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट. फर्दर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशन, ठीक है, यही सी चीज़ों को हम पढ़ते हैं. और आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा अर्लियर क्लासेस से कि सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? सोसाइटी में ही पढ़ते हैं, बट इन करंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है. सो करंट कॉन्टेक्स्ट में अब ये हिस्टोरिकली भी यही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन. एंड दिस इज़ व्हाई एवरीथिंग, अगर हम हिस्ट्री नहीं जानते हैं किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का, तो हम आज करेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका सोशियोलॉजिकली भी हम कोई चीज़ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री गिव्स यू द बैकग्राउंड, हिस्ट्री गिव यू द पोडियम टू स्टडी अबाउट द सोसाइटी एंड डिफरेंट एसोसिएशन एंड कम्युनिटी इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट. तो इसी में एक बहुत ही डेकोरेटेड फिलोसोफर ने कहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू यू कैन राइट G.E. Howard, इन्होंने कहा था, हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी. पास्ट, जैसे आपने देखा ये पास्ट सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी तो है ना, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, दीज ऑल थिंग वी स्टडी इनसाइड सोशियोलॉजी. तो हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री, इज द प्रेजेंट हिस्ट्री. हमने क्या बोला, जो भी चीज़ करंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी में बोलते हैं. अब उन्हीं चीज़ों को कहीं हम स्टडी करते हैं एक पास्ट में, तो उसको पास्ट में कहीं सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन को हम पढ़ते हैं तो उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं. तो यही लाइन क्या बोलते हैं जी हॉवर्डे कि हिस्ट्री इज द पास्ट सोसाइटी. पास्ट की सोसाइटी जो है, ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री, इज हिस्ट्री, ठीक है. पास्ट यहाँ है, ये सोसाइटी है, तो इस ये क्या है, हिस्ट्री. आपको दिख रहा है ये जो चीज़ें लिखी है, और वही चीज़ क्या बोलते हैं, ये सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री. यहाँ पे सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं बट प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, अभी जो चीज़ें हम मैं ये क्लास बना रहा हूँ,
अब ये क्लास हिस्ट्री बन चुकी है जो चीज़ें मैंने बोली है, तो वही ये कहना चाह रहे हैं। कोई हिस्ट्री क्या होता है, जो भी चीज़ निकल चुकी है बोल के, या टाइम जो निकल चुका है वो वापस नहीं आने वाला, दैट एवरीथिंग इज हिस्ट्री, जो बोलते हैं ना हिस्ट्री इज इन मेकिंग, हिस्ट्री बनती ही जा रही है। तो ये आपको समझ आ गया होगा चीज़। अब सिमिलैरिटीज क्या, लेट्स सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। बोथ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री स्टडी द सेम ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, दोनों के दोनों का क्या आपका मेन स्टडी करने का जो आपका क्या है, तो ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। बोथ स्टडी द सेम ह्यूमन सोसाइटी। सेकेंड, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। हिस्ट्री प्रोवाइड अस द नॉलेज ऑफ पास्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स वेरियस कंसेप्ट। आपको समझना है क्या सोशियोलॉजी क्या है, ये देखिए सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी जो है आपका अलग अलग एस्पेक्ट जैसे एसोसिएशन, कम्युनिटी, इन सब का स्टडी है। किसका, सोसाइटी का। वो हिस्ट्री का आपको क्या, हिस्ट्री जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है ये सारे चीज़ों के पास्ट के बारे में। तो ये वेरियस कंसेप्ट आपको समझने में, कोई भी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए रहता है। तो पर्टिकुलरली एक सोसाइटी है या एक कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी कहीं हिस्टोरिकली 200 साल पहले भी वो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, उस टाइप की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, और फ्यूचरिस्टिकली करेंट इन प्रेजेंट टाइम वो कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो आपको जब डिफरेंसेस कहाँ से दिखेंगे, उसी कम्युनिटी को जब आप स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, हिस्टोरिकली जो नॉलेज आपको हिस्टोरियन ने दिया है उसको आप देखेंगे, करंट कॉन्टेक्स्ट में आप सोसाइटी को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि दिस आर द डिफरेंसेस, और यहाँ डेविएट हो रही है सोसाइटी है, यहाँ बढ़ रही है सोसाइटी, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। हिस्ट्री प्रोवाइड अस नॉलेज ऑफ पास्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वेरियस कंसेप्ट। ठीक है, फर्दर यू कैन से सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री बोथ आर कंसर्न्ड विथ ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे मैंने यहीं आपको बोल दिया था ना, ह्यूमन बोथ स्टडी द सेम ह्यूमन सोसाइटी, तो ह्यूमन सोसाइटी में क्या स्टडी करेंगे, ह्यूमन की एक्टिविटीज एंड इवेंट्स को। तो आप लिख सकते हैं बोथ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री बोथ आर कंसर्न विथ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इवेंट। चलिए ठीक है, चलिए तो आपको और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप ये भी जान सकते हैं, हिस्ट्री इज द रूट ऑफ रूट एंड सोशियोलॉजी इज द फ्रूट। आपको ये समझ आ रहा है, हिस्ट्री इज द रूट, एक ये पेड़ होता है, जैसे पेड़ है तो किसी भी पेड़ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, रूट। अगर रूट ही नहीं होगा तो ये पेड़ यहाँ पे बढ़ेगा ही नहीं। तो हिस्ट्री इज द रूट एंड जो फ्रूट उगते हैं, दिस इज सोशियोलॉजी। ये लोगों का कहना है, इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री जब तक नहीं होगी तो स्टेम आपका सही नहीं होगा, आप सोसाइटी के बारे में अच्छे से सोशियोलॉजी को आप समझ ही नहीं पाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी को पढ़ने और समझने के लिए। तो हिस्ट्री इज द रूट एंड सोशियोलॉजी इज द फ्रूट। फर्दर लेट्स डिफाइन इन इट, क्या हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल नॉलेज क्या होता है, हेल्प करता है सोशियोलॉजिस्ट टू स्टडी सोसाइटी मैटर, सोशल कस्टम, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना। और हिस्टोरियन जो चीज़ें स्टडी करते हैं वो क्या है, कास्ट, क्लास एंड फैमिली। वो डाटा जो हिस्टोरियन स्टडी करते हैं वो सोशियोलॉजिस्ट बनाते हैं, और जो चीज़ें आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सोशल कस्टम क्या थे, जो सोशल इन्फॉर्मेशन क्या थे पुराने के मतलब ओल्डर एज में हिस्टोरिकली, वो सारी चीज़ों का जो डाटा है वो हिस्टोरियन से लेते, कौन है सोशियोलॉजिस्ट, और वो सोशियोलॉजी को तब स्टडी करते हैं। और वैसे ही वाइस वर्सा, जो हिस्टोरियन है वो कास्ट, क्लास एंड फैमिली के बारे में जो सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, जो नॉलेज लोगों ने बनाया है, उसको हिस्टोरियन पढ़ के आज की डेट में हिस्ट्री को और डिफाइन करते हैं। तो आप इसमें और इसको आगे लिख सकते हैं, हिस्ट्री इज द रूट एंड सोशियोलॉजी इज द फ्रूट। हिस्टोरिकल नॉलेज, जो हिस्टोरिकल नॉलेज है, हेल्प सोशियोलॉजिस्ट टू स्टडी
सोशल मैटर, सोशल कस्टम, यही सब तो पढ़ते हैं ना हम सोशियोलॉजी में भी और हिस्ट्री में भी, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ, सो यू कैन से एंड हिस्टोरियन स्टडीज क्लास कास्ट एंड फैमिली डाटा विच इज प्रोवाइडेड बाई सोशियोलॉजिस्ट। देख रहे हैं आप कितना इंटरलिंक्ड है दोनों की दोनों चीजें। चलिए तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंसेस भी अब कुछ होंगे, इतनी सारी सिमिलैरिटीज हम पढ़ लिए हैं तो अब डिफरेंसेस क्या है। तो लेट्स स्टडी द डिफरेंसेस ऑफ सोशियोलॉजी, लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन, ठीक है डिफरेंसेस। चलिए डिफरेंसेस सबसे पहले आप लिख सकते हैं सोशियोलॉजी स्टडी प्रेजेंट सोसाइटी, हिस्ट्री डील विद द पास्ट सोसाइटी, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो ये जो जो चीजें हैं इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, सोशियोलॉजी स्टडी प्रेजेंट सोसाइटी वेयर एज हिस्ट्री डील्स विथ पास्ट सोसाइटी, ठीक है। फर्दर यू कैन से सोशियोलॉजी इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, न्यू एंट्रेंट इन द सोशल साइंस स्ट्रीम, वेयर एज हिस्ट्री इज अ वेरी ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। सोशियोलॉजी न्यू सब्जेक्ट, ये आप सब में लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, जितने भी हम लोग आज रिलेशनशिप आप पढ़ते हैं ना उन सब में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट, ये जो लाइन है आप सब जगह चिपका दीजिए, ये गलत हो ही नहीं सकता है किसी भी रिलेशनशिप वाले में, क्योंकि सबसे नया सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है सोशल साइंस के स्ट्रीम में, तो आप इसको तो हर जगह लिख सकते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं जो ब्रॉड और हम लोग लिखते हैं नैरो वाला, दिस टू लाइन्स आपको पता होना चाहिए, आप चिपका दीजिए जहां भी आपको आंसर में लिखना है डिफरेंसेस में, क्योंकि ये गलत कभी नहीं जाएगा, ठीक है। सोशियोलॉजी विल ऑलवेज बी ब्रॉड एंड अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नैरो, ठीक है। फर्दर यू कैन से सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट, देखिए जो हिस्ट्री में एक चीज है, हिस्ट्री हो गई तो हो गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया या सही बोल दिया तो बोल दिया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, बट सोशियोलॉजी इतना इंटरप्रिटेशन है कि हर एक सोशल थिंकर का एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट व्यू होगा, और वो सारे के सारे व्यू सही भी होंगे, गलत नहीं होंगे, कोई रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि ओपन एंडेड है सोशियोलॉजी, ठीक है, वेयर एज हिस्ट्री इज कॉन्क्रीट इन नेचर, ठीक है। ऑल्सो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जो मैंने बोला ना आपको एक और, आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वाइड वेयर एज वर्सेज नैरो, स्कोप ऑफ हिस्ट्री इज नैरो। चलिए तो हमने आज का ये पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। लेट्स डील विद द सेकेंड टॉपिक टूडे, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए यार, सबसे पहला जो सोशियोलॉजी के बारे में पता है कि आपको सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी। अब वैसे ही आपको इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस कंसर्न विथ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। बेसिकली क्या है इकोनॉमिक्स, वही ना, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है इसके बीच में, यही इकोनॉमिक्स है, बेसिक इकोनॉमिक्स। तो वही है कि क्या सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स का, ये इकोनॉमिक का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अब जैसे देखिए आपको मैं इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी से कैसे आपका रिलेट करता है एकदम आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपको बहुत चीज़ें सारी सीधा सीधा क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट सब ने देखा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को आज की डेट में जो आप टीवीज में देखते हैं उसको बहुत हद तक एडवर्टाइजमेंट किस लिए होता है, इकोनॉमी के लिए होता है, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी के, बट वो सोशियोलॉजी से बहुत, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है,
कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो यूएस में चल रहा है वो इंडिया में सेम टू सेम नहीं दिखाया जा सकता है। हो सकता है इंडिया की जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट ना करे और यूएस की सोसाइटी एक्सेप्ट करे। अब एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूँ आपको, जैसे कि मैकडी आप जानते होंगे, मैकडोनल्ड्स जिसको बोलते हैं हम, मैकडी यहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ बहुत कम नंबर के लोग ही होंगे, लीस्ट एकदम मतलब गिनती के लोग हैं जो लीस्ट नंबर के लोग हैं जो बीफ खाते हैं, ठीक है। इंडिया में मेजर जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो बीफ नहीं खाता है, नॉन बीफ ईटर है। तो यहाँ आपने देखा मैकडी वर्ल्ड वाइड बीफ सेल करता है, बट इंडिया में दे डोंट सेल बीफ, ये सेल नहीं करते हैं। इसके बदले दे सेल आलू टिक्की सेल करते हैं। ये क्यों सेल करते हैं आलू टिक्की भाई, जब वर्ल्ड वाइड मैकडोनल्ड इज नॉट हैविंग एनी एक्सपर्टीज इन सेलिंग आलू टिक्की बर्गर होता ही नहीं है मैकडी के कंसेप्ट में और वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है, बट इंडिया में है क्योंकि इंडिया की सोसाइटी लाइक्स आलू टिक्की, दैट इज पोटैटो टिक्की। तो इसको इंडिया के कल्चर में इंडियन पीपल लाइक टू ईट इट। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैकडोनल्ड्स इज इफेक्टेड बाई द सोसाइटी ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल, दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल, आपको क्लियर हो गया होगा कि सोसाइटी कैसे हैम्पर करती है, ठीक है। अब आप देखिए सोसाइटी इकोनॉमिक्स क्या होता है, सोसाइटी तो आपको पता है, सोसाइटी जो होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन, ठीक है। एंड दिस मटेरियल वेलफेयर लीड्स टू कॉमन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए जब इकोनॉमी किससे कंसर्न है, लोगों के प्रोडक्शन और लोगों के कंजम्पशन से, तो उसके बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके लिए। तो अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो वेलफेयर होगा किसका, लोगों का वेलफेयर होगा, तो कॉमन गुड होगा, सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन का भी वेलफेयर होगा। तो दिस इज बेसिकली द वेलफेयर ऑफ, जो इकोनॉमिक से भले ही एक आदमी के लिए वेलफेयर का मटेरियल वेलफेयर ऑफ अ सिंगल मैन और सिंगल फैमिली होता है ये, बट एट लार्ज इट विल बी डिवॉल्विंग द वेलफेयर ऑफ कॉमन सोसाइटी, कॉमन वेलफेयर पूरा का पूरा होगा उस पर। तो मार्क्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे कहा था, मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन। आप लोगों ने एक बुक होगी, इनकी बुक है एक दास आतो थ्योरी करके, एक बुक है दास कैपिटल करके एक बुक है जिसमें दास आतो थ्योरी एक इन्होंने दी थी जो कैपिटलिस्ट थ्योरी थी। इनका कहना क्या था, कार्ल मार्क्स का, एक कंट्रोल जो है पूरी इकोनॉमी का, पूरे की पूरी जो सोसाइटी का या इकोनॉमी जिसको भी बोल सकते हैं आप, उसके पास सोसाइटी का कंट्रोल होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा इकोनॉमी होगी। तो उनका कहना था कंट्रोल ऑन इकोनॉमी विल लीड टू मेकिंग ऑल रूल्स, जो ही जिसके पास कंट्रोल होगा इकोनॉमी का पूरे सोसाइटी में, वही है जो इकोनॉमी जो कि रूल करेगा कहाँ, पूरे सोसाइटी में, ठीक है। ये पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं इसको, ये जो समझ आ गया होगा आपको। सेकंड अब क्या सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं आप, फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, इन्फ्लेशन आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पॉवर्टी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम, ये सब हम लोग जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं ना, ये सारे के सारे एक चैप्टर है, इन्फ्लेशन इज अ चैप्टर, पॉवर्टी इज अ चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ चैप्टर। तो आपको पता चल गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको सोसाइटी की हेल्प चाहिए होगी, सोशियोलॉजी। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो सोशियोलॉजी टेक द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी टू काउंटर दिस ऑल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो सोसाइटी आपकी है उन्हीं से ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। तो सोशियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सोसाइटी है, तो उस स्टडी को जब ये इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि इस सोसाइटी के लिए ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तभी आपका वो सॉल्यूशन पर्टिकुलरली काम करता है। तो आप लिख सकते हैं क्या, फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इकोनॉमिस्ट टेक हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी एंड टेक्स इन टू अकाउंट द सोशल इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम।
ठीक है, जो मैंने समझाया उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, क्योंकि नोट्स प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ड्रॉ इट जनरलाइजेशन बेसिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाई सोशियोलॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है, जो कि सोसाइटी जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर की स्टडी होती है, बेसिकली आपको ये समझना है इसमें। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द डिफरेंसेज ऑफ सोसाइटी, डिफरेंसेज बिटवीन सोशियोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी। तो मैं वैसे ही आपको डिफरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजी इज अ वेरी न्यू एंट्रेंट वर्सेज इकोनॉमिक इज अ वेरी ओल्ड एंट्रेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज अ वेरी ओल्ड एंट्रेंट। देन दिस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्सेज इकोनॉमी इज अ वेरी कंक्रीट सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री हमने पढ़ा था बहुत कंक्रीट सब्जेक्ट, वैसे इकोनॉमी इज ऑल्सो कंक्रीट। ठीक है, सोशियोलॉजी इज हैविंग अ वेरी वाइड एस्पेक्ट, वेयर एज इकोनॉमिक इज हैविंग अ वेरी नैरो परस्पेक्टिव, नैरो परस्पेक्टिव। ठीक है, ये बहुत वाइड ओपन एंडेड है, ये नैरो है बहुत। फर्दर सोसाइटी सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल एक्टिविटी, वेयर एज इकोनॉमी इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो सोशल एक्टिविटी वर्सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपके नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर होने चाहिए, आपको याद रहता है। ठीक है, देन एट लास्ट यू कैन से सोसाइटी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी में सोसाइटी सेंटर ऑफ द एट द सेंटर रखा जाता है, वेयर इज इन इकोनॉमिक्स जो है मैन को सेंटर पे रख के काम किया जाता है, स्टडी की जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी सोसाइटी इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्टडी, वेयर इज वाइल स्टडिंग द इकोनॉमिक्स मैन इज केप्ट एट सेंटर of study. So guys, today we have completed this board topic, very important topic. ये mains में 4 marker question में आता है, तो आपको ये आज हमने complete किया, sociology versus economics हमने पढ़ लिया आज, कि दोनों में relations, similarities, dissimilarities क्या है, and then we have deal with sociology and history. So guys, आपको कहीं classes पसंद आ रही होंगी तो like it, like करिए, आपको कुछ issues हैं तो comment करिए, एंड डू शेयर इट, लोगों की हेल्प होगी इससे, लोगों को पता चलेगा तो दे विल गेट द पर्टिकुलरली अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट सोशियोलॉजी। चलिए, थैंक यू।